सबके दिए मौका और सबने बनाया मौका, इसलिए 2024 में हमार झारखंडी सब मारते चौका को लेके जो छोटी छोटी मुद्दा है गांव स्तर पे जो करप्शन है उस चीज को लेके जैविक केसेस या टाइगर जयराम महतो बात नहीं रखते हैं, तो उसको आप कैसे देखिए? चुनाव जीते वास्ते चुनाव लड़े वास्ते ग्राम स्तर पे बूथ स्तर पे संगठन की जरूरत पड़ो है, तो ओकर तैयारी अभी तक कहाँ तक हो लेगी? झारखंडी पैमान नहीं होता है, ये भीड़ नहीं है, ये नमस्कार जोहार। इस वक्त मैं चरही में मौजूद हूँ और चरही में जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज खतियानी संकल्प महासभा जेबी केसेस के द्वारा यहाँ रखा गया है, जिसमें मुख्य वक्ता टाइगर जयराम महतो और बाकी इसमें हमारे साथ अभी मौजूद हैं छात्र नेता मनोज जाधव जी। मनोज जाधव जी जो कि अपनी वक्ताओं में बहुत बातों को लेके जो इतनी बखूबी बेहतर तरीके से रखते हैं, जैसे कि लगता है हर बातों में इनकी माटी की खुशबू यानी झारखंड की माटी की खुशबू नज़र आती है। तो आज हम दादा हमारे साथ हैं, दादा जोहार आपका। जोहार दादा, आज चरही में हैं, हर सभा में आप पहुंचते हैं, आप जनता हमको बुलाती है तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। बात है कि 60-40 हो या तो पारा टीचर की लड़ाई हो या जलसहिया की लड़ाई हो, आंगनबाड़ी की लड़ाई हो, जेपीएससी का लड़ाई हो, जितना भी जेएसएससी का लड़ाई हो, हमने 20 साल से बता रहा हूँ लगातार मार खाया, जेल गया, खून बहाया, तो जनता जान रही कि मनोज यादव ईमानदारी से लड़ रहा है, आप पसंद करता है, बस मैं आ जाता हूँ, इन लोगों का बुलावा आता है। पिछले दिन जो है सो चतरा में भी आप जो है सो अपनी बातों को रखे बखूबी, क्या लगा चतरा क्षेत्र में, चतरा क्षेत्र के लोगों को देख के क्या समझ में आया? चतरा में क्या समझ में आएगा, जनता का भीड़ आप देखे होंगे चतरा में, बहुत थी। चतरा बदलाव चाहता है, बदलाव चाहता है, एकदम चतरा बदलाव चाहता है। और ये चीज को आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ थी और कितने धूप होने के बावजूद भी, और बता रहा हूँ वो ग्रामीण क्षेत्र है पूरे, चाहे हंटरगंज हो, प्रतापपुर हो, जितना भी है, सारे जीवन वहाँ से जो है सो लोग गांव से उठ करके सुनने के लिए आया था। और चरही में भी आज कड़ी धूप है, चरही का आपका भीड़ देखिए, महिलाएं जागरूक हो गई हैं, छात्र महिलाओं की संख्या भी लगभग लग रहा है कि पुरुषों के अपेक्षा 40% तो जरूर है, जरूर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हम लोग, पहले यही कहा जाता था कि खाली पुरुष पर, लेकिन अब महिलाएं वो भी जानती है कि हमारा बेटा का नौकरी काहे नहीं हो रहा है, हमारा नौकरी काहे नहीं, हमारा ये सब छोटा छोटा बच्चा जो अभी LKG नर्सरी UKG और क्या बोलते हैं 1, 2, 3, 4 में पढ़ने वाले बच्चे लोग आ गए हैं, तो बोले ना उन लोग भी वह खुशी हो रही है कि 23 साल के बाद पहली बार मौका मिला है हमारा झारखंडी भाई को, यही लोग जीतेगा। बड़ी दादा बड़ी एनर्जी रहता है आप में अंदर, हमको लगता है सुबह सुबह केला खा खाते हैं। अरे बोले ना कि अब इन लोगों के जब जुनून छा जाता है, जब झारखंडियों को बचाने का जुनून आ जाता है, झारखंडियों को अधिकार दिलाने का जुनून आ जाता है, तो एनर्जी तो रहेगा, एनर्जी जो बता रहा हूँ मैं पूरी तरह से, हम लोग पूरे लोग जो भी आप लोग संस्था के लोग सारे लोग एनर्जेटिक हैं, और एनर्जेटिक खाली नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना कहीं भाषण देने वाला नहीं है, राशन देने वाला है। लगता है सुबह सुबह केला खाते हैं या चाय पी के आते हैं? अरे हम बोले ना कि हम लोग पूछो नहीं, हम पीते हैं माड़ और रहते हैं साढ़, बस इतने जानते हैं हम लोग, माड़ भात खाते हैं, बता देती वह फल फल की जरूरत है, खाली माड़ भात खाए और साढ़ जैसा रहते हैं। ये भीड़ और इस तरह हर जगह सभा करना, प्रत्येक जिला में सभा करना, जेबी केसेस का बदलाव संकल्प सभा या खतियानी महासभा, ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 में एक उलट फेर करने की तैयारी है। अरे उलट फेर भगदड़ मचा देवे जी, पूरा झारखंड में भगदड़ मचा देवे, जितना पटियन 23 साल से लूट ले थी ना, भगदड़ मचा देवे उस सबके, सबको देख लग, यहाँ नहीं देखते हैं, थोड़े दिन रहता है जेएमएम में, थोड़े दिन रहता है कांग्रेस में, थोड़े दिन रहता है बीजेपी में, थोड़े दिन, और सत्ता जैसे बदलेगा ये लोग अपना बैनर बदल देता है, आप नहीं देख रहे, मलाई खाने के लिए उधर से भी हो गया तो बाबा अकरम मंत्री बन जाना है, जितने आप यहाँ का भी आप देख लीजिए स्थिति वही है।
शुरू दिन से पप्पू राजे में मरे, आज आप बीजेपी के बन गए। दादा आप जो है ना कोई भी बात को बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं और बहुत बढ़िया से रखते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि एक इंटरव्यू में संजय मेहता जी ने बताए थे कि नवंबर दिसंबर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है दादा? अब बड़ा होने वाला जो आप समझ लीजिएगा, दिसंबर में हम लोग बड़ा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि अब जो है सो हम लोग क्षेत्र क्षेत्र हो गया, अब राजधानी पर कब्जा करना है, राजधानी पर क्योंकि ये पूरा जो झारखंड आप देख रहे हैं सारे लोग उबल चुके हैं। आप बोले कि नहीं आप मुझे राजधानी चाहिए बिल्कुल राजधानी चाहिए। आप जो है सो विधानसभा जो है वहाँ पर हमको मेजोरिटी चाहिए, बोल रहे हैं ना दिल्ली जैसा यहाँ क्लीन स्वीप कर देंगे। दादा एक चीज़ और है, जैसे आप कहते राजधानी चाहिए तो राजधानी की बात अगर बोले तब हमें एक चीज़ आया कि इस बार जो सत्र चला ये सत्र में देख रहे हैं कि विधायकों की मानदेय को बढ़ा दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? तो यही तो बोल रहे हैं कि यहाँ पारा टीचर टेट पास करके और कुछ करेगा तो कर आप पहले 50,000 से घटा कर 24,000, और जब एकर वेतन बढ़ने के बात आया तो सब पार्टी एक हो गया, कोई गुंगा जैसा रहा, माल चाहिए माल, समझे ना दादा? इस तरह से जो प्रत्येक जिला में JBKSS के जो महासभा खतियानी संकल्प सभा मैंने की लागू की 2024 में पूरी तरह से बदलाव होते हैं, एकदम बदलाव होता है तो इतने समय दिलवा कि झारखंड के जो भी हमने के सभा हो रहा है ओकरा मनी कोई भेल हमने दारू महुआ देख ना लांगी, हमने कोनी डीजल पेट्रोल देख के ना लांगी, स्वेच्छा से अपन पैसा खर्च करके 100-200 और जो 100-200 रुपया खर्च करके 500 करके नहीं आओ चतरा में तो देख लो मैंने वहाँ पर 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर से अल और वो भिड़िया देख ले तो वो सब जो 200-500 हजार कही ले बदलाव कि वो सब देख लेती कि 2023 तक जो है बीजेपी के भी देख लिए JMM के भी देख लिए सबके दिए मौका और सबने बनाया मौका, इसलिए 2024 में हमार झारखंडी सब मारते चौका ही चौका। दादा अभी जो उपचुनाव के समय है उस चुनाव हो रहा है डुमरी में तो अभी तक तोहनीन जो है से कुछ मुंह तो ना खोल रहे हैं, की विचार है मैंने कने समर्थन दे रहा है? हमने कल मुंह खोलबे हमने तो सीधा बड़का लिया 2024 में हम लोग तमाम लोकसभा तमाम विधानसभा पर लड़ेंगे, 81 विधानसभा और 14 लोकसभा पर लड़ेंगे। तो अभी मान लीजिए एगो सीट हम जीतियो जाइए, एक सीट डुमरी जीत जीबे हमने तैसे तो आनी सभी को अब मीडिया पूछल शुरू करते तो आप सरकार के साथ हैं कि आप विपक्ष में, वहाँ तो किसी का समर्थन देना ही पड़ेगा। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं ककरों से तो अलग से हमारे विधानसभा नहीं बनते तो होकर बने कहते कि अगर यदि तो सरकार के साथ ही अगर मैंने तो JMM के साथ ही अगर विरोध करो तो बीजेपी के साथ ही तो वहाँ पर हमारा कुछ हमारा झारखंड के तकदीर बदले के हमारा विधायक नहीं बने के मुख्यमंत्री इस कैल बने खोजोगे कहने मुख्यमंत्री के टैग लगवा है हमारा बदलाव चाहिए 60-40 नीति के बदलाव चाहिए झारखंडी के नौकरी के चाहिए हमार पारा टीचर के वेतनमान के बात चाहिए आंगनबाड़ी जितना भी जलसाइए सबके हमार वेतनमान के बात करो ये चीज़ यार हमार नौकरी जो है बाहरियाँ ना लूट ले ओकर वास्ते हमारा विधानसभा जाए पड़ते और विधानसभा में एक ऐसा नियोजन नीति है विस्थापन नीति व जितना सब नीति है पुनर्वास नीति बना के नहीं सब हमार झारखंडी के जो है से मैंने बोले ठगल महसूस करा पड़ो ठगल। दादा देखी जब इतना सब हो रहा है तो जैसे हमार कमेंट सेक्शन में बहुत से आदमी कहते हैं कि जन मुद्दा को लेके जो छोटी छोटी मुद्दा है गांव स्तर पे जो करप्शन है उस चीज़ को लेके JBKSS या टाइगर जयराम महतो तो बात नहीं रखते हैं तो उसको आप कैसे देखिएगा? अरे बाबा हमने साफ रख रहा लिए हो भ्रष्टाचार जो है सब चरम पर है, कैसे ना भ्रष्टाचार के बात कर रही है हमने सबके भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है गांव लेवल पर जो है से थोड़ा बता रही हूँ सब चीज पर हमने युवा काम कर रही है
आज तोरा कह दे रही हो जे राज्य के मुखिया अगर यदि ईमानदार हो गलो भ्रष्टाचार स्वतः खत्म हो जीते। नीचे वालन जे है ऊपर के संरक्षण मिलो तबन करो भ्रष्टाचार है। मुखिया का मिल दो है वा कि क्या वा एमएलए सनी एमएलए के मिलो मुख्यमंत्री सनी तो ये तरीका सिस्टम चला है। आर भ्रष्टाचार जीजिए ने हमारा सरकार में हम नहीं आ जाए ना हम कह दिलियो ना हमारा कोई पुलिस के भी जरूरत ना पड़ता है सब सरेंडर कर देती सब सरेंडर कर देते एकदम सब सरेंडर कर देते कि ना बाप जितने कमाइयो उतने खो और ना तो हमारा जलवा ना जाए। मैंने उम्मीद है कि मैंने टाइगर जयराम मादा अगर सत्ता में आऊ है या जेबीके से सत्ता में आऊ है तो तमाम मुद्दों को लेके भ्रष्टाचार संबंधित जितने भी मुद्दा है सब ओकरा पर जैसे नकल कसल जीते। वे कालियों आज आंध्र प्रदेश विकसित राज्य कैसे है वहाँ पर भ्रष्टाचार न है। यहाँ जहाँ गलत तहाँ लूटल तैयार है वो तो ग्राम पंचायत से लेकर के ऊपर तक जा वीडियो सीओ से लेकर के ऊपर तक जा ना मैंने सब को कहीं पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग में 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे के कहीं करा रहे ट्रांसफर वो 1 करोड़ कमाई खातिर गलत बात बोल बो तो बताओ। तो ये सब सब भ्रष्टाचार के हमने सब अंकुश लगेबे पहले मौका हम लोगों के 2024 में मिले जा रहा है और जितना वो सबके अत्याचार करे के वो कर लिए 2024 में हम खत्म कर दिए। अच्छा चुनाव जीते वास्ते चुनाव लड़े वास्ते ग्राम स्तर पे बूथ स्तर पे संगठन की जरूरत पड़ो है तो ओकर तैयारी अभी तक कहाँ तक हो कि रंग हो रहा है। अच्छा ई जे आये भिड़िया से की कह जे ऐसा भी हो सको कि सुने लाल है जयराम दा के देखे लाल है। अरे बप्पा यहाँ यही तो अने गांव वाला बात को जैसे एक बार नौक कन्या है वो है ना तो सबसे गांव वाले ने देखे दौड़ो थी चाहे कन्या खराब रहे चाहे कन्या बेस रहे तो वो अखनी के देख लिया अभरी जो है ना हमनी के नी झारखंडी है किया हमनी और ओकरा देख लेती सब कन्हैयन के देख लेती और सबके नतीजा देख लेती आप जैसे ओकरा पर ना होते अबरी बड़ी बढ़िया होते अबरी बढ़िया होते एकदम होते कलियन तैयारी हो रहा है बूथ स्तर बूथ और यार जितना भिड़िया कौन है बूथ और यूथ हमरा तो कह रहा है एक बूथ पर 10 गो यूथ न हमार एक बूथ पर 100 गो यूथ खड़ा है एकदम 100 गो खड़ा है। अरे ये लोग बता रहे हैं झारखंडी बेईमान नहीं होता है ये भीड़ नहीं है ये भीड़ने वाले लोग हैं। एक बार की ठान ललको कि यह करबो तो यह करबो हम बदलेगा नहीं बेईमान नहीं है निश्चित रूप से ठीक है जी। दादा दादा जोहार जोहार। तो हमारे साथ मनोज यादव जी थे छात्र नेता जिन्होंने हर सवालों के जवाब को प्रमुखता से दिए हैं। जैसा कि बूथ स्तर पे क्या तैयारियां चल रही है हालांकि झारखंड के जितने भी यूथ अगर हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ जेबीकेएसएस का बूथ वहाँ बन गया है क्या वहाँ जो है सो संगठन जेबीकेएसएस का बन गया है और कहाँ कहाँ बना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर ताकि हम लोग भी जान सकें कि कितनी तैयारी है कितने बढ़ चढ़ के जेबीकेएसएस तैयारी कर रही है क्योंकि 2024 में बदलाव करना यूं ही नहीं हो सकता है क्योंकि बदलाव करने के लिए बूथ स्तर पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो क्या जेबीकेएसएस अभी बूथ स्तर पर पहुँची है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद जोहार।